आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ ने सहायक आयुक्त के नाम दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन की नियमितीकरण की मांग। आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी एक सूत्री मांग रखते हुए नियमितीकरण की मांग की। इस मौके पर आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाती है, लेकिन दुर्ग जिला अब तक अछूता है। उन्होंने जल्द से जल्द आदिम जाति कल्याण विभाग के चतुर्थ वर्ग दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की। इस संबंध में शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संघ के हम लोग पदाधिकारी और कर्मचारी है। आदिम जाति कल्याण विभाग में हम लोग आश्रम छात्रावास व्यवस्था में सभी पीयून है चतुर्थ श्रेणी में, क्योंकि हमारी मांग विगत 15 से 20 सालों से लंबित चल रही थी नियमितीकरण की। एक आशा जगी है 30/11/21 को मंत्रालय से निकले आदेश के, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग पुनः मैडम से संपर्क किए हैं कि हमारी कार्रवाई चल तो रही है कार्यालय में, लेकिन बहुत धीमी गति से, जबकि अन्य 8 से 9 जिलों में कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, नियमितीकरण का उन्हें आदेश भी दिया जा चुका है, परंतु दुर्ग आज मुख्यमंत्री सर का क्षेत्र होने के बावजूद पिछड़ा हुआ है और पूरा दुर्ग संभाग पिछड़ा हुआ है। इसी के मांग को लेकर हम लोग आज अपने कार्यालय प्रमुख आयुक्त महोदय से पर चर्चा किए, जवाब संतुष्टिपूर्वक मिली, आशा जल्द निराकरण हो जाए यही हम सब आशा करते हैं, परंतु कब होगी इसके इंतजार। विकास देशमुख आसम छात्रावास व्यवस्था और कर्मचारी आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ में संभाग अध्यक्ष। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।